Welcome in Business Studies classes. Today's topic is non-financial or non-monetary incentive. Dear student, आज आप हमसे पढ़ेंगे motivation के लिए employee को non-financial इंसेंटिव क्या क्या हम प्रोवाइड करते हैं. नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, फर्स्ट इज स्टेटस. फर्स्ट इज स्टेटस, इट इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इन विच एम्प्लॉय कैन बी मोटिवेटेड. हम सिर्फ फाइनेंशियल इंसेंटिव से ही एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करते हैं, बल्कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से भी एम्प्लॉय को मोटिवेटेड किया जा सकता है. आज हम आपसे बात करेंगे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. फर्स्ट इज स्टेटस. स्टेटस मीन्स द पोजिशन और रैंक ऑफ ए पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय हैं उसके जो रैंक है, पोजिशन है, दिस इज स्टेटस. एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय हैं उसका जो रैंक है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी जो पोजीशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में, दिस इज द स्टेटस. इट कैन बी हाई और लो. स्टेटस हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है. द रैंक ऑफ द एम्प्लॉय इज डायरेक्टली लिंक विथ हिज ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अदर फैसिलिटी. ये जो एम्प्लॉय के रैंक होते हैं इसका सीधा संबंध उसके ऑथोरिटी से है, मतलब उसके पावर से है, उसके रेस्पॉन्सिबिलिटी से है, जिम्मेवारी से है एंड अदर फैसिलिटी. अदर फैसिलिटी का मतलब यहाँ पर उसका केबिन कैसा है, उसकी कार किस तरह की है, उसका पर्सनल असिस्टेंट है या नहीं, ये बहुत सारी फैसिलिटी हैं. और एम्प्लॉय का सीधा संबंध ऑथोरिटी से है, रेस्पॉन्सिबिलिटी से है और अदर फैसिलिटी से है. एवरीबडी हैज अ विश फॉर अ हायर स्टेटस. कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो, प्रत्येक व्यक्ति का जो इच्छा होती है, विश होती है कि उसका जो स्टेटस हो ऊंचा हो, हाई हो, दूसरे से ज़्यादा हो, ये व्यक्ति की इच्छा होती है. देयरफोर द एम्प्लॉय कैन बी मोटिवेटेड बाय रेजिंग देयर रैंक एंड पोजिशन. इसलिए एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जा सकता है उसके रैंक और पोजीशन को बढ़ा करके. तो फर्स्ट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इज स्टेटस. स्टेटस किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जा सकता है उसके रैंक
और पोजीशन को बढ़ा करके। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब हो जिस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करते हैं वो इन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो इन्वायरमेंट है क्लाइमेट है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। सो सेकेंड नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मीन्स द वर्किंग सिस्टम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो काम करने का सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का जो सिस्टम है उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। दिस इंक्लूड्स इंडिविजुअल फ्रीडम रिसीप्ट ऑफ रिवार्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय एटसेट्रा। ये जो वर्किंग सिस्टम की हमने बात कही इसमें इंक्लूड है कि एम्प्लॉय को आजादी चाहिए, रिसीप्ट ऑफ रिवार्ड होना चाहिए और एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में महत्व होना चाहिए, इम्पोर्टेंस होना चाहिए। यहाँ पर वर्किंग सिस्टम से मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा वर्किंग सिस्टम है उससे मतलब है कि जो एम्प्लॉय हैं उनको इंडिविजुअल फ्रीडम चाहिए, रिसीप्ट ऑफ रिवार्ड चाहिए और एम्प्लॉय का इम्पोर्टेंस होना चाहिए। एम्प्लॉय का इम्पोर्टेंस का मतलब है कि उसके बिना ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं चल सकता है, ये एम्प्लॉय को महसूस होना चाहिए। एवरी पर्सन लाइक टू वर्क इन बेटर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। हर एक व्यक्ति जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वो पसंद करता है कि उसका जो काम करने का जो जगह है जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करता है वो बेटर होना चाहिए। हर एक एम्प्लॉय जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वो चाहता है, वो पसंद करता है कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है, जो वर्किंग सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए, उसके मन लायक होना चाहिए। द मैनेजर कैन मोटिवेट द एम्प्लॉय बाय प्रोवाइडिंग अ बेटर ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। मैनेजर अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है टू प्रोवाइड बेटर ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल वातावरण दे करके एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। यहाँ आपने दो नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव के बारे में जाना, पहला स्टेटस और दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। नंबर थर्ड करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू एडवांस हिज लाइफ। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय
वो चाहता है कि उसकी जो लाइफ हो वो एडवांस हो, प्रमोशन इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एडवांसमेंट, और प्रमोशन एडवांसमेंट का एग्जाम्पल है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी हैव गॉट टू बी प्रोवाइडेड फॉर द प्रमोशन ऑफ द एम्प्लॉय। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की मदद से, की सहायता से एम्प्लॉय को प्रमोशन दिया जाता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी हैव गॉट टू बी प्रोवाइडेड फॉर द प्रमोशन ऑफ द एम्प्लॉय। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की मदद से एम्प्लॉय को प्रमोशन दिया जाता है। देयरफोर मैनेजर कैन क्लियर देयर वे टू प्रमोशन बाय प्रोवाइडिंग दीज फैसिलिटीज। इसलिए मैनेजर के द्वारा प्रमोशन के लिए क्लियर हो जाता है कि अगर उन्होंने ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग की सुविधा है, तो निश्चित रूप से मैनेजर के द्वारा ये क्लियर कर दिया जाता है कि उसको प्रमोशन मिलना ही है। देयरफॉर मैनेजर कैन क्लियर देयर वे टू प्रमोशन बाय प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटी। और प्रमोशन का रास्ता ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की फैसिलिटी पाने से प्रमोशन का रास्ता साफ हो जाता है। दिज व्हेन द एवेन्यू फॉर प्रमोशन आर अवेलेबल द एम्प्लॉय सर्टेनली गेट मोटिवेटेड। और ये जो प्रमोशन का अवसर उसको जब प्राप्त होता है, जब एम्प्लॉय को प्रमोशन का अवसर प्राप्त होता है, तो एम्प्लॉय अपने आप मोटिवेटेड हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 4, जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट मीन्स इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क। जॉब इनरिचमेंट का मतलब है कि किसी काम को महत्व देना। जॉब इनरिचमेंट का मतलब है कि किसी काम को ज़्यादा महत्व देना। जॉब इनरिचमेंट मीन्स इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क। किसी भी जॉब का जो इम्पोर्टेंस है उसको इंक्रीज करना। सच ए जॉब शुड बी, और ये जॉब इसलिए जॉब के इम्पोर्टेंस को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या हो सकता है। सच ए जॉब शुड बी, तो जॉब किस तरह का होगा ताकि उसका इम्पोर्टेंस इंक्रीज करेगा। नंबर 1, ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ए वाइड स्कोप फॉर चैलेंजेज। वो जॉब जिसमें क्या हो, ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ए वाइड स्कोप फॉर चैलेंजेज, जिसमें चैलेंज ज़्यादा हो, जिस जॉब में चैलेंज ज़्यादा हो उस जॉब का इम्पोर्टेंस इंक्रीज कर जाता है। नंबर 2, देयर शुड बी नीड ऑफ हायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। वैसा जॉब जिसमें हायर नॉलेज और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। नंबर 3, द अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट शुड बी अवेलेबल। और वो जॉब जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, पर्सनल डेवलपमेंट, अपना व्यक्तित्व का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। द अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट शुड बी अवेलेबल। एक ऐसा जॉब जिसके लिए पर्सनल, जो अपना व्यक्तित्व है किसी व्यक्ति का, उसको क्या करना पड़ेगा, डेवलप कराना पड़ेगा।
नंबर फोर, देयर शुड बी एब्सोल्यूट फ्रीडम टू टेक डिसीजन। और क्या होना चाहिए नंबर फोर में, वो जो डिसीजन है वो आजादी से लेके, ऐसा जॉब जिस जॉब में व्यक्ति डिसीजन क्या करे आजादी से, खुद से ले सके। देयर शुड बी एब्सोल्यूट फ्रीडम टू टेक डिसीजन, निर्णय लेने के लिए पूरा स्वतंत्र होना चाहिए, वैसा जॉब होना चाहिए। द एम्प्लॉय फील प्राउड ऑफ गेटिंग सच जॉब, और एम्प्लॉय ऐसे जॉब को पाकर के अपने आप को गर्व महसूस करता है। दस दे स्टार्ट गेटिंग मोटिवेटेड ऑटोमेटिकली, जिससे एम्प्लॉय अपने आप क्या हो जाता है, मोटिवेटेड हो जाता है। नंबर फाइव, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, दिस इज द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के लिए एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, एम्प्लॉय के रिकॉग्निशन का एक प्रोग्राम बनाया जाता है। एवरी एम्प्लॉय विशेस टू बी कंसीडर एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एन, हर एक व्यक्ति, हर एक एम्प्लॉय जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वो इच्छा रखता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय समझा जाए। उसकी इच्छा होती है कि हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। ही शुड हैव हिज ओन आइडेंटिटी एंड ही शुड अपीयर टू बी डिस्टिंक्ट। हर वो व्यक्ति चाहता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में मेरा अपनी कोई पहचान हो। आम जो एम्प्लॉय है उससे क्या है, डिफरेंट, डिस्टिंक्स होना चाहिए, हर एक व्यक्ति चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ग्रेचुलेशन द एम्प्लॉय फॉर गुड वर्क परफॉर्मेंस, जो अच्छा काम करता है उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अनदर अवार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, उसको अवार्ड सर्टिफिकेट दिया जाता है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उसमें से इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है ऑर्गेनाइजेशन में। प्रेजेंटिंग मेमोंटोज, मेमोंटोज दे करके, सो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो एम्प्लॉय को उसके रिकॉग्निशन के बारे में बताता है कि ये जो एम्प्लॉय हैं जिनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशन दिया जाता है, मेमोंटोज दिया जाता है, इससे ये पता चलता है कि ये जो एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन में और भी एम्प्लॉय काम करते हैं उसमें से ये क्या है, बेहतर है, अच्छा है। नेक्स्ट नंबर सिक्स, जॉब सिक्योरिटी, ये भी एक मोटिवेशन का तरीका है। जॉब सिक्योरिटी, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, जब किसी एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि कभी भी हमको काम से निकाल दिया जाएगा, जॉब का उसका फियर रहता है, डर रहता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में एज ए एम्प्लॉय इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हो पाता। अगर हम दूसरे तरफ बात करें वैसे एम्प्लॉय का, जिस एम्प्लॉय को सिक्योरिटी है, जॉब के बारे में सिक्योरिटी है कि हम परमानेंट हैं, हमको किसी भी कंडीशन में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन से हटाया नहीं जाएगा, तो वैसे एम्प्लॉय क्या करते हैं, दिल से मन लगा करके काम करते हैं। और ये भी एक मोटिवेशन का तरीका है जिससे उसका प्रदर्शन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा होता। जॉब सिक्योरिटी इज एन इम्पॉर्टेंट नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन,
जॉब की जो सिक्योरिटी है इम्पोर्टेंट मोटिवेशन है। सिक्योरिटी ऑफ जॉब मीन्स अ फीलिंग ऑफ परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी। जॉब सिक्योरिटी का मतलब है कि एम्प्लॉय को ये महसूस होता है कि सुरक्षा, जॉब के रिलेटेड सुरक्षा और स्टेबिलिटी, कि मेरा जॉब किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा और मेरा जॉब जो है वो क्या है, कंटिन्यू रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एम्प्लॉय हैज ए सेंस ऑफ फियर इन हिज माइंड दैट ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज जॉब एनी टाइम, अगर किसी एम्प्लॉय के मन में ये डर हो गया कि किसी भी समय हमको जॉब से क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, ही विल नेवर वर्क हार्डली एंड दिस वरी कंटिन्यूअस ट्रबल है, वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा और हमेशा अपने आप को ट्रबल में महसूस करेगा। ऑन द अदर हैंड, इफ ही हैज ए फीलिंग दैट हिज जॉब इज सिक्योर एंड परमानेंट, ही कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज जॉब इजली, ही विल वर्क विदाउट एनी वरी एंड विथ ए इजी माइंड। और जब अगर उसको पता चल जाएगा कि हमको जॉब से नहीं हटाया जाएगा, परमानेंट है, तो वो फ्री दिमाग से काम करेगा और उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। कॉन्सिक्वेंटली हिज एफिशिएंसी, तो वैसे व्यक्ति का क्या होता है, इफिशिएंसी जो काम करने की ये है वो इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट नंबर 7, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। जो मैनेजरियल वर्क हैं और जब किसी एम्प्लॉय को उसमें पार्टिसिपेट कर लिया जाता है तो एक तरह का ये भी क्या है, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन है। और जब किसी एम्प्लॉय को ये लगता है कि हम भी एज ए मैनेजरियल काम कर रहे हैं, तो क्या करेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है वो अपना समझ करके और अच्छी तरह से काम करने का कोशिश करेगा। एम्प्लॉय गेट इनकरेज टू नोटिस देयर पार्टिसिपेशन इज मैनेजरियल वर्क। जब ये एम्प्लॉय को लगता है, जब उसको मैनेजरियल वर्क दे दिया जाता है, तो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है। एम्प्लॉय गेट इनकरेज टू नोटिस देयर पार्टिसिपेशन इन मैनेजरियल वर्क। जब मैनेजरियल वर्क में उसको पार्टिसिपेट कर लिया जाता है, एक तरह से उसको मोटिवेट करना हुआ, इनकरेज करना हुआ, देयरफॉर दे ऑफर देयर फुल कोऑपरेशन, तब क्या करता है वो एम्प्लॉय अपना पूरा कोऑपरेशन इन मेकिंग सक्सेस द पॉलिसी प्रिपेयर विद देयर हेल्प। तो क्या करता है, उस प्लानिंग को सक्सेस करने के लिए फुल कोऑपरेट करता है। नंबर 8, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एम्प्लॉय को डिसीजन लेने का अधिकार, आज़ादी, फ्रीडम। कोई भी एम्प्लॉय चाहे तो वो खुद से डिसीजन ले सकता है। और जब किसी को इस तरह का अधिकार दिया जाता है तो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट आदमी समझता है, जिससे वो खुद मोटिवेटेड हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग द एम्प्लॉय मोर फ्रीडम टू टेक डिसीजन। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब है एम्प्लॉय को डिसीजन लेने की आज़ादी देना। व्हेन द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉय इंक्रीजेज, और जब किसी एम्प्लॉय को डिसीजन लेने का पावर इंक्रीज कर जाता है, दे कंसिडर दैट दे आर डूइंग सम इम्पॉर्टेंट वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, तब उसको क्या महसूस होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन का क्या कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हैं, इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं, दस फीलिंग मोटिवेटेड देम। और यह फीलिंग उसको क्या करता है, मोटिवेट करता है।
थैंक यू।